रीजन ये डेंजर हाल की है लेकिन सही है यार, मजा आ रहा है। कीचड़ कितना घुसा है। गाइस हवा देखो कितनी चल रही है, विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और टाइम लगभग अभी हो चुका है 5:15 बज गए। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप। आज अपने भाई का बर्थडे है और इसके लिए अपन जा रहे हैं घूमने के लिए, फोटोशूट के लिए। हैप्पी बर्थडे ऑन कैमरा। वैसे तो हमने सेलिब्रेशन कल रात का ही कर लिया था। ओ भाई मिसिंग कर रही है, 40-50 के भी पास मिसिंग कर रही है। फ्यूल अप करना है, कुछ भी फ्यूल नहीं है अभी इसके अंदर। और अभी हम लोग फैमिली मेम्बर्स बहुत टाइम के बाद जा रहे कहीं घूमने, फोटोज वगैरह निकालेंगे, मौज करेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। निखिल मेरे पीछे है, आ रहा है। पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट खाली है लेकिन ये तीन साइड सिर्फ कैश है और यहाँ पर गूगल पे, सो यहाँ पर रुके अभी। निखिल ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है यार, और ये ट्रैफिक है ना बहुत बीटी दे रहा है अभी। ये देखो कितना आधा किलोमीटर दूर रुके हैं हम लोग। देख भाई, हमने प्लान कर लिया था कि सुबह 7:30 या 8 बजे निकल जाएंगे लेकिन अभी सीन हो गया है, उठते उठते 9:30, 10, फिर 11, फिर अभी 12, ऑलमोस्ट 12:15 बज चुके हैं और हम लोगों को 70-80 किलोमीटर और जाने का है। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली वीर डैम। मैंने लास्ट टाइम प्लान बनाया था लेकिन जा नहीं पाया था, लेकिन फाइनली आज जा रहे हैं। चलो यार देखो कितना ट्रैफिक है, मेरे को लग रहा है कि ये सिग्नल पे है ना और एक बार रुकने वाला हूँ। तो पुलिस ऑलवेज सिक्योरिटी देती है प्रायोरिटी पे पॉलिटिक्स को। हाँ मत कहे माला पण सिग्नल ला अडकलो होतो। हाईवे पे भी इतनी ज़्यादा जाम है, देखो गाइस हाईवे पे आ चुके हम लोग लेकिन जाम देखो, इतना ट्रैफिक आता कहाँ से यार, कहाँ से आते इतने तेजस्वी लोग। चल हो जाए रे वेंटिलेशन होना चाहिए ना डेस्क पर, अभी ठंडी हवा भोगे के अंदर। ऑसम ऐसी होनी चाहिए सीनरी, जहां पर जा रहे वहां पर पता नहीं कैसी होगी सीनरी। छिट्टा मारते वक्त तो दो भाइयों के बीच में अभी बस रेस हो रही है हाईवे पे, पर ये मेरा माइक ही कहीं भी उड़ता जा रहा है, उसका स्टिक नहीं चल रहा है और उसको रास्ता पता इसलिए आगे मैं पीछे। ओए भाई साहब यहाँ पर देखो हम लोग अभी ऑफ रोड कर रहे हैं, ऑफ रोड। ये देखो गाइज दिस इज अ वीर डैम, वो डैम एक्चुअली वहाँ पर है। मेरी ऑफ रोड भी तो कहा, रोड है ही नहीं ये अटक गए। वेरी गुड वेरी गुड। अरे टायराला टायर दिसत नाही आहे तुझा, जरा जोरात पळव म्हणजे चिक्कल निघल। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ड्राइविंग यहाँ पर शायद बारिश हो गई है इसकी वजह से ऐसा है। अभी अपन ऑफ रोड करेंगे दोनों मिलके। चल चिक्कल क्या उड़ा करूँ। भाई ये देखो एडोमियर कहाँ कहाँ घुसती है। ऑसम उतर
देखो गाइस ऐसे रोड से भी उतरती है क्या? आराम से भाई, आराम से, सही है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गाड़ी बंद नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर खत्म है। टाटा बाय बाय। फिर इसको एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हेवी है, वो लाइट वेट है। भाई तू तो मौज ले रहा है, किधर भी डाल, ये ले पक्का ऑफ रोड वाला रखा है। हाँ, एक नंबर, ऑसम। ओ भाई आराम से चढ़ती है, आराम से उतरती है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो कितना ऊपर है, बस ये थोड़ी हेवी वेट है लेकिन आराम से। ओ ओ भाई, अभी देखता हूँ मैं, वो चला के देखता हूँ। कम मेरी जान ये डेंजर हल्की है लेकिन सही है यार, मजा आ रहा है। किधर से भी टपा लो, ये देखो ये बहुत ज्यादा है जरा। कीचड़ कितना घुसा है, खेचा ना है डबल सीट कितनी होना रखना है चो। यार कंफ्यूज होते हैं यार, काहीच कळा ना कोपरच। इथून जातो इथं इथून असं सरळ बाहेर आला, इथं रोड आहे का नाही? हाय हाय, रोड कुठला? आम्ही रोड काढलाय, एवढा मोठा खड्डा आहे हा, इथून कळल हे तर खड्डे किरकोळ आहेत। सॅडलिंग इथं उडवतो जरा, आता येत नाही का येणार आपल्याला। हे छोटे छोटे ह्यांचं काय, अय दादा व्हिडिओ आता नीट येईल। इथं होईल, इथं ग्रीप नाही भेटणार तिकडं। हा, इथून इथून होईल असं पलीकडं। एक मिनिट, सी वॉटर, सी वॉटर, दिस इज नॉट ॲक्च्युली सी वॉटर, दिस इज अ ओनली वॉटर। मैं तो सोच रहा था ऐसे वहां तक चला जाऊं। ओ मेरी, नीचे देखा ही नहीं मैंने, अभी कूद गया मैं। पानी पानी पानी, ओ भाई स्लश गेला टी शर्ट।
गेला टी शर्ट लागल ना चल पाण्यात जायचं होतं ना हे कपड्याला माझ्या लागले हे बघ चिखल केवढा चिखल यहाँ कैसे जाऊंगा क्योंकि ये पूरा पैच अलग है और इधर से वहाँ जाने के लिए पानी के अंदर से जाना पड़ेगा जाएंगे कैसे आई थिंक उधर से किधर से भी होगा लेकिन नज़र भी नहीं आ रहा है और नहीं दिख रही गाइस हवा देखो कितनी चल रही है विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और टाइम लगभग अभी हो चुका है 5:15 बज गए और अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से लोकेशन को एकदम मेरे को तो सनसेट देखकर ही जाना था सनसेट वहाँ पर कहीं हो जाता लेकिन अगर उस तरफ सनसेट होता तो काफ़ी अच्छा लगता निकलते अभी यहाँ से पूरा ओपन स्पेस है बहुत सारे लोग आए एंजॉय भी कर इसके अंदर मर चला गया अब ये ब्रैकेट और चेन पूरी मड से फुलफिल हो गई ये फुलफिल चलो ठीक है हो जाएगा ये तो निकल जाएगा शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर मतलब पार्टी वगैरह करने के लिए आते हैं और क्या करने आएंगे एंजॉय ऑफ रोड करते हुए अभी अपन निकल जाएंगे चलो बाय ये देख रहे हो गाइस यहाँ पर हमने ऑफ रोडिंग करी थी बाइक स्टंट वगैरह किया था अभी इसको भी टाटा करके बाय करते मेरे को तो इच्छा थी वो उधर जाएंगे सो गाइस पौने 6 बज चुके 5:40 अच्छा लग रहा है अभी लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि थोड़ी देर में अभी ट्रैफिक चालू होने वाला है ज़्यादा पुणे के बाहर नहीं लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भीड़ डैम पुणे से नियर बाय 70 किलोमीटर के आसपास है तो आप इजीली 1 डे के अंदर आ जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो ऐसे टाइम पे भी गाड़ी को है ना रश करना पड़ता है नहीं तो अपन है ना पहुंच ही नहीं सकते ट्रैफिक